हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स को याद करने वाले हैं, सिर्फ सीखने नहीं वाले हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब है एक वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन लग जाती है तो वो उस वर्ब का पर्टिकुलर मीनिंग कई बार बदल देते हैं। और एक ही, जैसे कि मान लीजिए एक ही मीनिंग में बहुत सारी अलग अलग प्रीपोजिशंस लगते हैं, उनके सेंस अलग हो जाते हैं। हमें वो याद रखना है। याद करने के अगर बेहतरीन तरीके आप नहीं बनाएंगे तो कितना भी याद कर लीजिए, कितना भी टाइम दे दीजिए, कल कोई आपसे पूछेगा तो आपका एक ही जवाब होता है, याद तो किया, बस एक बार रिवाइज करने दो। और रिवाइज करने का हर बार टाइम नहीं होता। मान लीजिए लास्ट के 10 दिन बचे हैं, कितना रिवाइज कर सकते हो आप? अगर एक बार कोई चीज पढ़ लो उसे भूलो ना, इस तरीके से तैयार किया करो। आज के इस वीडियो में देखिये, मैं आपको टॉप 50, इस वीडियो में नहीं, टॉप 50 फ्रेजल वर्ब्स कराने वाली हूँ अगले 5 दिन में। अगर आपको ये आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स हो चाहे SSC हो चाहे कोई भी एग्जाम जिसमें आना है ये वर्ड्स, है ना, फ्रेजल वर्ड्स आती हैं या फ्लेयर्स आते हैं या आपको वोकैबुलरी पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आज के जो मैं जितने भी एक वर्ड से रिलेटेड है वो मैं आपको कराती हूँ। और आज का वर्ड है बियर। बियर माने सहन करना। अब पहले तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। बियर विद का मतलब होता है मीनिंग बी पेशेंट एंड टॉलरेंट विद समवन, ठीक है, यानी कि किसी के साथ पेशेंस होना, यानी कि धैर्य होना, टॉलरेंट होना, ठीक है। जस्ट अगला बियर अप, टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंटिन्यू एट अ डिफिकल्ट टाइम, स्ट्रॉन्ग इनफ होना एक डिफिकल्ट टाइम से निकलने के लिए, ठीक है। बियर अपॉन, हैविंग एन इफेक्ट अपॉन, टू इन्फ्लुएंस या रिलेवेंट टू। रिलेवेंट होता है किसी चीज से रिलेटेड होना, यानी कि बिलीव में रिलेटेड होना, और इन्फ्लुएंस तो प्रभाव होता ही है, इफेक्ट अपॉन किसी चीज पर प्रभाव रखना। बियर आउट हो गया टू कन्फर्म या टू डेमोन्स्ट्रेट, कन्फर्म हो जाता है और डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है एक्सप्लेन करना किसी चीज को। बियर अवे टू विन, बियर थ्रो टू सपोर्ट, और बियर डाउन अपॉन टू अटैक इमीडिएटली। देखिए, अब ये तो आपकी बुक्स में भी लिखे हैं, हर जगह लिखे हुए हैं, रट रहे हो रट रहे हो रट रहे हो। मैं आपको इसे एक स्टोरी के थ्रू सुनाती हूँ, अब आप देखिएगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक स्टोरी बियर वाली जो याद कर लीजिए वो आप याद कर लीजिए सीधे सीधे किसके ऊपर, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। बियर का मतलब है सहन करना ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस है जो एक किसी पे हो रहा है और वो लगातार बर्दाश्त कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए पहला वर्ड क्या था, मैं आपके सामने पहले तो वर्ड लिख देती हूँ, बियर विद। अब बियर तो सेम रहेगा, बियर के बाद अप के बाद अप मोड ऑन हो गया, इसे एक स्टोरी की तरह, ये भी मैं बोलूंगी कि हमने ये अलाइनमेंट में ऐसे क्यों लिखा है ना। फिर आउट हो गया, फिर बियर आउट के बाद अवे हो गया, फिर अवे के बाद थ्रो हो गया, और थ्रो के बाद डाउन, बियर डाउन अपॉन, ठीक है, ये वाला जो है, ये 7 वर्ड्स हैं। अब एक स्टोरी के थ्रू सुन लीजिए, बस एक बार में तैयार हो जाएगा। भाई डोमेस्टिक वायलेंस किसी पे हो रहा है तो पहले तो वो टॉलरेंट थी, भाई विद बियर माने हो गया सहन करना, तो वो उसके साथ थी। अब उसने सोचा नहीं भाई मुझे साथ नहीं होना, मुझे अब एक लेवल अप बढ़ना है, तो अब वो अपने आप को स्ट्रांग बना रही है, अब वो अपने आप को स्ट्रांग बना रही है, अप हो चुकी है, भाई पहले सहन कर रही थी अब वो स्ट्रांग बना रही है, टू बी स्ट्रांग इनफ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सिचुएशन डिफिकल्ट चल रही है बहुत ज्यादा, लेकिन अब वो अपने आप को स्ट्रांग बना रही है, ठीक है। अब अप वाला मोड जो है वो ऑन हो चुका है, तो वो हो चुका है अप ऑन, यानी कि अप ऑन, ठीक है ना। अब जब मोड ऑन हो चुका है तो वो क्या कर रही है, अपने आप को ही इन्फ्लुएंस कर रही है, अपने आप पे इफेक्ट दे रही है कि इन सब चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अब मुझे स्ट्रॉन्ग इनफ बनना है, तो अब वो अपने आप पे इन्फ्लुएंस कर रही है, अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रही है, नहीं अपने आप पे इफेक्ट रख रही है। उस इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि उसने भी पहले तो टॉलरेट किया, फिर उसने अप बढ़ने का सोचा, अब अप वाला मोड ऑन हो चुका है, उसने अपने आप को प्रभावित किया कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, अपने आप को खुद को प्रभावित किया है, उसके बाद वो इन सब चीजों से आउट होना चाहती है, ठीक है ना। अब जब भाई आउट वाली कंडीशन आ गई, तो आउट वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा कि वहां पे आ जाएगा कि टू, एक तो यहां का मतलब डेमोन्स्ट्रेट भी होता है, ठीक है। अब आउट का मतलब है कि अब तो भाई निकलना है ना, अब जब निकलना है तो यहां पे क्या हो गया, टू डेमोन्स्ट्रेट। अब भाई उसने क्या किया कि सारी चीज एक्सप्लेन कर दी आके कि अब मुझे इन सब चीजों में नहीं रहना है, ठीक है ना। अब जब इन सब चीजों में नहीं रहना है तो आउट तो अभी तो केवल बाहर हुई थी, अब उसने दूर उठा के फेंक दिया, और भाई वो विन हो चुकी है, सारी चीजों से निकल चुकी है। एक स्टोरी थी, पहले वो सहन कर रही थी, फिर उसने अप बढ़ने का सोचा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, फिर अपने आप को समझाया, अपने आप को इन्फ्लुएंस किया, फिर उन चीजों को आउट किया, यानी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि अब मुझे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करनी, पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी आके, उस चीज से बाहर निकली, और जिसको भी चाहे मान लीजिए अपने पेरेंट्स को बताया उसने कि अभी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया सारी चीजें कि पहले मैं सहन कर रही थी बट अब मैं अब ऊपर आ चुकी हूँ, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैंने अपने आप को पूरा तैयार कर लिया, पूरा इन्फ्लुएंस्ड कर लिया है, अब उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, और फाइनली वो उन सब चीजों से दूर निकल चुकी है,
और वो विनर बन चुकी है, और उस टफ टाइम में उसके पेरेंट्स ने या उसके घर वालों ने उसको सपोर्ट किया, तो वो थ्रू तभी थ्रू हो पाई, तो वो सपोर्ट आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए एक अलग ही हो गया, डाउन अपॉन, यानी कि जब वो डाउन थी, कभी डाउन हो रही थी, कभी अप हो रही थी, कभी डाउन हो रही थी, कभी अप हो रही थी, तो ये हो जाता है टू अटैक इमीडिएटली, किसी पे अचानक से अटैक करना। ठीक है, तो इसे अलग से याद रखिए कि भाई कोई इंसान, यानी कि बियर डाउन अपॉन, बियर सह रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी एकदम क्या है, एक तरीके से अटैक की स्थिति बन रही है उसको। सिंपल सी चीज है, इस तरीके से चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर लिया करो, एक स्टोरी की तरह रिलेट हो गया। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से देखो मिटा देती हूँ, और आप अब एक बार देखेंगे, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बियर विद, भाई वो टॉलरेट कर रही थी, उसके बाद उसने सोचा अभी मुझे एक स्टेप ऊपर उठना है, उठने का मतलब हो गया बियर अप, अब स्ट्रांग इनफ बनना है। स्ट्रांग इनफ में पहले उसने अपने आप को प्रभावित किया, यानी कि इफेक्ट, अपने आप को इन्फ्लुएंस्ड किया। अप ऑन, उसका जो अप वाला मूड था वो ऑन हो चुका है। फिर अभी उसने आउट होने का सोचा, तो डेमोन्स्ट्रेट किया पूरी फैमिली को, भाई मुझे बाहर निकलना है। अब वो बिल्कुल अवे निकल गई, आउट करने के बाद और दूर निकल गई, तो विनर हो गई, जिसने भी उसके टफ टाइम में थ्रू साथ दिया, वो सपोर्ट हो गया। और लास्ट में अप डाउन, भाई बियर जब वो कर रही थी, जब अप डाउन हो रही थी, तो उस पर अटैक्स हो रहे थे सडनली। ठीक है, बस एक स्टोरी हो गई। अब इसको हम फिलर्स के रूप में देखेंगे, क्या हम सही पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। देखो इसको फिलर्स के थ्रू देखोगे तो सबसे पहला क्या है, हाउ इज ही आफ्टर हिज एक्सीडेंट। अब आप खुद बताइए, वो हाउ इज ही, तो बियर विद होगा भाई, टॉलरेंट तो नहीं होगा भाई, आफ्टर हिज एक्सीडेंट। हाउ, हाउ का मतलब है आप एक तरीके से बोल रहे हो कि कैसे वो इतने स्ट्रॉन्ग है अपने एक्सीडेंट के बाद। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, और हाउ इज ही, और हमें पता है स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या था, जब वो अप हुई थी उसने अप लेवल का सोचा था, तो बस बियरिंग अप, हाउ इज ही बियरिंग अप आफ्टर एक्सीडेंट, वो कैसे भाई इतनी स्ट्रॉन्ग है एक डिफिकल्ट टाइम में, एक्सीडेंट के टाइम में। ठीक है ना, क्योंकि टाइम चल रहा है ना, बियरिंग अप कोई टाइम चल रहा है, डिफिकल्ट टाइम में स्ट्रॉन्ग होना बियरिंग अप आता है, बहुत सिंपल सी चीज है। दूसरा, इननंबरेबल मेमोरीज, यानी कि बहुत ज्यादा असंख्य संख्या में मेमोरीज ऑफ द टाइम, समय की, ऑल्सो हिज लाइफ, उसकी लाइफ को क्या कर रहे हैं भाई, जो बहुत ज्यादा मेमोरीज है समय की, क्या बियर अप कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं, क्या बियर आउट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, नहीं, बियर थ्रो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, बियर अपॉन क्या था, जब वो अप वाले मोड में ऑन हो गई थी तो उसने अपने आप को इन्फ्लुएंस किया था, तो इसका मतलब है जो मेमोरीज है उसके टाइम की, वो क्या कर रही है, उसे इन्फ्लुएंस कर रही है, उसे इफेक्ट कर रही है, यानी कि जो टाइम की मेमोरीज थी वो इफेक्ट कर रही है, तो आंसर आ जाएगा इसका बियर अपॉन, बियर अपॉन। ठीक है, चलिए तीसरे पे देखते हैं, कंटेम्पररी सोर्सेज फेल्स टू, यानी कंटेम्पररी जो सोर्सेज हैं वो फेल्स टू दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्शन, वो क्या हुआ भाई, चलिए कंटेम्पररी सोर्सेज फेल्स टू, क्या बियर अपॉन इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है ना, बियरिंग आउट, बियर अप और बियर विद, तो कंटेम्पररी सोर्सेज फेल्स टू, यहां आ जाएगा फेल्स टू डेमोन्स्ट्रेट डिड, अच्छा देखिए भाई बियर आउट डेमोन्स्ट्रेशन था ना, जो भाई कंटेम्पररी सोर्सेज है वो फेल्स हैं किसके लिए, इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्शन को वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती है, ना इसका मतलब है, ना इसका मतलब है, ना इसका मतलब है, आंसर आ जाएगा बियर आउट। ठीक है, चलिए भाई अगला, मी अ मोमेंट वाइल मेक अ कॉल, भाई जब मैं एक कॉल कर रही हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, यही तो हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा, पेशेंस रखने का मतलब है बियर विद। ठीक है, बस, और नेक्स्ट आ जाएगा अगला फिफ्थ, फाइव है इसमें, जस्ट नेक्स्ट है, वेयर अ शिप अटेम्प्ट्स टू टैक बट फेल्स एंड हैज टू अगेन ऑन द ओरिजिनल टैक। देखिए यहाँ पे क्या था, वेयर अ शिप अटेम्प्ट्स टू टैक, उसने अटेम्प्ट किए टैक्स के लिए, बट फेल्स, लेकिन फेल्स होता है, एंड हैज टू, उसे दोबारा से अगेन द ओरिजिनल टैक, दोबारा से अपने ओरिजिनल टैक पे आना होता है, तो उसके लिए वो क्या होता होगा, एक बियर विद होता होगा, टॉलरेंस होता होगा, नहीं भाई, बियर अप होता होगा डिफिकल्ट टाइम में, बियर अपॉन होती, यहाँ बियरिंग हो गया है, बियरिंग तो वैसे भी नहीं आएगा, आएगा तो यहाँ बियर ही, ठीक है ना, और बियर अवे, तो देखिए हमने बियर अवे, अवे क्या था कि भाई सब चीजों से निकल के बाद दूर हो गई, विन, तो क्या था, वेयर अ शिप अटेम्प्ट्स टू टैक बट फेल्स एंड हैज टू विन अगेन ऑन द ओरिजिनल टैक, भाई उसे दोबारा से विन करना पड़ता है, जब वो फेल हो जाता है तो दोबारा से कोई चीज फतेह करनी पड़ेगी ना, दोबारा से तो विन करना पड़ेगा, सिंपल। तो अगर आपको एक स्टोरी के थ्रू ये सब चीजें इस तरीके से याद है, तो आप देखोगे ये सारी चीजें याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। मैंने तो बहुत छोटी छोटी स्टोरीज बना रखी है हर एक चीज की, बस बियर तो मुझे वो स्टोरी याद आ जाती है, ये वाला तो स्टोरी याद आ जाती है, बस उससे मेरे कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होता था और अब भी नहीं होता है। तरीके बनाइए पढ़ने के,
केवल पढ़ना नहीं, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टोरी के साथ, नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।